वेलकम टू अजमान पिजन क्लब में हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त आरव एक नई वीडियो के साथ दोस्तों हाज़िर हूँ। जी दोस्तों, आप लोग के फरमाइश से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि बीमारी के हवाले से कुछ बताएं, और बहुत लोगों दोस्तों ने कमेंट्स किया था कंकर के बारे में, जो रेशा होता है उसके हवाले से। तो आज हम लोग आए उस्ताद खालिद के पास, कुछ बीमारी के मुतल्लिक उससे बात करेंगे। सलाम अलैकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम आरव भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से? हर्ष भाई ठीक ठाक। हर्ष भाई, अक्सर हमारे दोस्त हैं बीमारी के मुतल्लिक, किसी को कुछ फ़ायदा हो। जी बिल्कुल। ताकि आपने भी यूज़ किए हैं, तो आपके पास भी बीमारी आया था तो आपने कंट्रोल किया उस बीमारी को, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। बिल्कुल जी। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो शौक कर रहे हैं। बिल्कुल। उनको कबूतरों में बीमारी आ जाती है, उनके समझ में नहीं आता क्या दें क्या ना दें। खासकर उन लोगों ने बोला था कंकर के हवाले से, जो गले में रेशा होता है, ठीक है, पोट नहीं चलता, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? वल्ला अरब भाई, मेरा पास अभी खुद ही आपको पता है बीमारी आया हुआ था जी, जब ये कप ख़त्म हो गया बहरीन मुश्तरक, उसके बाद डायरेक्ट मेरे कबूतर बीमार हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह वकास भाई ने मुझे ये इसका बारे में बताया कंकर का जी, जो मेरा कबूतर दाना खा के उल्टियाँ कर रहे थे जी, जी बदहजमी कर रहे थे, पानी पी रहे थे ज़्यादा। फिर वकास भाई ने बोला ये खरीद, जब उल्टियाँ करता है ये अलामत होते हैं यानी शुरू? हाँ, जब कबूतर जब दाना खाता है पानी पीता है उल्टी करता है, ये कंकर है कबूतर। हाँ, यानी ये अलामत है, अलामत है कंकर। फिर बदहजमी कर जाता है कबूतर, फिर खाली ज़्यादा पानी पीता है कबूतर, फिर सूखड़े में भी आ जाता है, सूखड़े में भी आ जाते हैं। तो ये दवाई फिर आपने लिया, तो ये इस्तेमाल किया तो फ़ायदा हुआ कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया मेरा। 7 दिन का कोर्स है। 7 दिन का कोर्स, 7 दिन लगातार देना चाहिए। तो इसका तरीक़ेकार कैसा है देने का? इसमें 1 लीटर पानी में जी, जो चाय का चीनी का चमचा नहीं होता है जी, जो स्पून होता है, स्पून होता है उसका, एक और आधा पहला दिन में। अगर कबूतर ज़्यादा आपके ज़्यादा यानी अगर बीमार है जी बहुत यानी, तो उस टाइम देना चाहिए। फिर उसके बाद ये 1 चमचा उसका, 1 स्पून 1 लीटर पानी में डेली देना है, हर रोज़ 7 दिन है, 7 दिन डेली देना, डेली देना। किस टाइम देना ये, दाने से पहले दाने के बाद? कबूतर को प्यासा रखने पहले जी, जी। जो कबूतर अगर खुद नहीं पी नहीं सकता है, ज़्यादा उसका हालत ख़राब है, उसको आप सरंज से दे सकते हो जी। कितना सीसी देना चाहिए तकरीबन? 10 या 15 सीसी दे सकते। और कबूतर को प्यासा रखना है जी, सुबह से प्यासा रखना है, शाम तक पानी देना है, फिर दाना देना है, फिर यही पानी देना है। तो दाना भी यही बाजरा यूज़ करें या नहीं? जब कबूतर बीमारी पड़ जाते हैं बाजरा बिल्कुल बंद करना चाहिए जी, जी अलफ देना चाहिए। अलिफ अभी क्या मेरे ख्याल से तो उनको किसी को पता नहीं चलता अलिफ है, हम लोग के पास अभी 76। अगर आप शो कराएं थोड़ा दिखाएं तो बेहतर है, ठीक है ना? दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो वो नरम रहता है, जल्दी हजम हो जाते हैं, तो वो भी यानी अच्छा होगा उसके लिए, बहुत अच्छा होगा। तो बाजरा मेरे ख्याल से हजम नहीं करते, नहीं करते हजम, ठीक है, वो फिर अंदर जहर बन जाता है, जहर बन जाता है। तो दोस्तों ये कंकर के हवाले से, कंकर ये होता है जो गले में रेशा भी होता है, पोट नहीं चलता है, जो उधर उल्टियाँ करना शुरू कर देता है, तो इसका दवाई के बारे में माशाल्लाह उस्ताद खालिद ने यूज़ किया अपने कबूतरों में, क्यों कप हो रहा था, उस कप के बाद डायरेक्ट कबूतरों को बीमारी लग गया था, तो उसके बाद तो माशाल्लाह कंट्रोल हो गया बीमारी। फिर दूसरा कप भी उड़ाया ना? ना बिल्कुल, ठीक है, कबूतर ठीक हो गए, फिर कप उड़ाया, वही कबूतरे उड़े माशाल्लाह, तो अच्छे बेहतर हो गए। बहुत अच्छा दवाई है, और ये माशाल्लाह उस्ताद वकास ने बताया था जी, बिल्कुल माशाल्लाह, तो बहुत ज़बरदस्त दवाई है, इंशाल्लाह आप भी यूज़ करें। और दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितने जो प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप इसका नाम देख के ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं उसको, आप गूगल में सर्च करें, नेट पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? अक्सर भाई पूछते हैं कहाँ मिलता है, ये आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। कोई भी दवाई हम लोग अगर आपको दिखाते हैं तो आपको ऑनलाइन मिलता है। आप अभी किस तरीके से उसको मंगाओगे, क्या प्राइस है, आप चेक कर सकते हैं उसमें। तो आखिर में ये कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। बिल्कुल।